बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएसटी फाउंडर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चरर इन मैथमेटिक्स केपी पब्लिक सर्विस कमीशन में 5/10/2021 को ये पेपर हो चुका है। होना तो ये चाहिए कि ये पेपर मैं काफी पहले अपलोड कर लेता, लेकिन अभी तक इसका क्लियर पिक्चर अब मुझे नहीं मिले थे। तो कल ही एक दोस्त ने क्लियर पिक्चर सेंड कर दिए हैं, तो उसी पेपर को मैंने एमएस वर्ड में लिख चुका हूं ताकि बहुत क्लियर ही नजर आ जाए और हम आसानी से उसको हल कर सकें। आप दोस्तों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। तो जरा देखिए, पहले आपको पेपर दिखा देता हूं। ये पेपर है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें ये देखिए, लेक्चर इन मैथ्स BPS 7, और ये पेपर है। पेपर को मैं सॉल्व में लिख चुका हूं, तो चलिए वहां से हल कर लेते हैं। दिस इज द पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन -4 and 6 ऑन अ नंबर लाइन। ये तो इंतहाई इजी है दोस्तों, इंतहाई इजी है ये। तो ये ऐसा करना है कि आपने लाइन ड्रा करना है, ठीक है। इसमें सेंटर में यहां पर आप 0 है, यहां से 0 है, और इसके राइट साइड पर आपने जाना है, तो ये 1 प्लस की तरफ जाना है, 2, 3, 4, 5 and 6। ये हमारे पास 6 आ गया। यहां माइनस की तरफ जाना है, तो -1, -2, -3 and -4। अब इसके दरमियान, दोनों के दरमियान फर्क क्या है, तो आप इसको गिनते गिन ले। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है इसमें। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखे, 2 नंबर क्वेश्चन। ये भी इजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों। सॉल्व 10 - 6 - 1 - 3। तो इसको जरा देखे शॉर्टली मैं कर लेता हूं। ये आ गया, यहां पर आ गया 10 आ गया, ठीक है। ये -3 और ये 6 - -5, तो 1 आ गया, तो ये -1 आ गया। ये -3 और 3 और 3 = 6 आ गया, -6 आ गया, और ये -3। तो जिनके -3 है उनको आपस में पहले जमा करें, इनको जमा करें सबको, ठीक है। तो ये 3 और 9 और 1 10, तो ये आएगा 10 - 10 = 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जल्दी जल्दी से मैं कर लेता हूं। देखिए, ये 6 × 2 = 12 और 1 = 13 आ गया, और जरबे मल्टीप्लाइड बाई, मैं जरा भी स्टार लगा लेता हूं, वहां पर मैंने स्टार लगाया, स्टार मल्टीप्लाई के लिए होता है। 5 × 2 = 10 और 2 = 12 / 5 अब ये इसमें है कि ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे, 6 × 6 और 6 × 2 = 12 हो जाएगा, और ये 13 × 2 = 26 आ जाएगा, और 26 / 5, तो 5 × 5 = 25। तो 5 × 1/5 इसका आंसर आएगा, ठीक है। 5 × 1/5 ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन कहते हैं सिंप्लीफाई, तो इसको भी आप जल्दी जल्दी इस्तेमाल करते हैं। 5 × 2 = 10 और 1 = 11/2 आएगा, 11/2 आएगा ये, जमा 3 × 7 = 21 और 1 = 22/7 आएगा, 22/7। अब इसमें ऐसा है कि 7 × 7 = 14, 14 इसका एलसीएम आ जाएगा, 14 LCM आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 × 2 = 14, 11/7 = 77 आ जाएगा, और 7 × 2 = 22, 22 = 44 आ जाएगा, ये 44। तो इसका आंसर आएगा 121। 44 और 77 अगर आप जमा करें तो 121/14 इसका आंसर है। इसको अगर आप सही में भी कर लें, इसको डिवाइड कर लें,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको ऑप्शन डी मिलेगा, नन ऑफ द अबाव, इसमें कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर पांच देखिए, पांच नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पांच है एक्सप्रेस 60 cm एज फ्रैक्शन ऑफ 2 m, ये भी इतना इजी है, तो इसको फ्रैक्शन में लिख लें पहले 60 cm, ठीक है, और 2 m को आपने क्या करना है cm में कन्वर्ट करना है, तो 2 m में आपको 200 cm मिलेगा, तो 10 क्रॉस हो जाएगी इसके साथ, 6 क्रॉस हो जाएगा 3 और 20 क्रॉस हो जाएगा 10 के साथ, तो 3/10 आंसर है इसका, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखे, 6 नंबर क्वेश्चन को देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, मिसेस कौशिप गॉट एवरेज ऑफ 5 6 टेस्टों में 50 एवरेज किया है, तो इसका टोटल कितना होगा, तो 50 को 6 से तकसीम करें तो कितना आएगा 300, 6 टेस्टों में 300 मार्क्स लिए हैं, ठीक है, 6 टेस्टों में 300 मार्क्स लिए हैं, आसानी के आसान तरीके से आपको कर लेता हूं, तो कहते हैं व्हाट शुड ही गेट होना चाहिए, चलो गेट इन द नेक्स्ट, ये नेक्स्ट होना चाहिए, नेक्स्ट इज टू अटेन द एवरेज ऑफ 60, ये नेक्स्ट सॉरी, ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, पहले पांच पेपर में उसने 300 के औसत 300 नंबर लिए हैं 500 के एवरेज से, तो अगर वो तीसरे में 60% नंबर लेना चाहे तो 7 जरबे 60 आएगा, 420 आएगा, 7 × 42, ठीक है, तो ये 420 आएगा, अब 420 में से आप 300 को माइनस करें तो 120 आंसर आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखें जरा दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन कहते हैं द एवरेज ऑफ एक्स वाई जेड एंड 40 इज 10, एक्स वाई जेड एंड 40 द दे एवरेज, इसका एवरेज जो है वो 40 है और सॉरी 10 है, तो कहते हैं कि एक्स वाई और जेड का एवरेज क्या होगा, हमें पता है कि एवरेज हम कैसे मालूम करते हैं, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो सम ऑफ क्वांटिटीज इन क्वांटिटीज को आपस में जमा करें, एक्स जमा वाई जमा जेड जमा 40, इनको आपस में जमा करें और इसको फिर डिवाइड करें 4 पर, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है वो 4 है, तो इस पूरे को डिवाइड करें 4 पर और कहते हैं कि ये बराबर है कितने के 10 के, अब 4 को दोनों साइड से आप जरब दे दें, तो ये क्रॉस यहां भी इसको भी 4 से जरब दे दें, ठीक है, तो ये क्रॉस हो जाएगा इसके साथ और ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 40, तो x जमा वाई जमा जेड जमा 40 इज इक्वल टू 40, अब इस 40 को बसावाद से दूसरी तरफ ले आए तो ये -40 हो जाएगा, -40, तो -40 ये हो जाएगा 0, तो x जमा वाई जमा जेड इसका एवरेज विल बी 0, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को, 8 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि द एवरेज इनकम ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर इज 5000, 6 मेंबर है उसकी औसत तनख्वाह जो है आमदन है वो 5000 है, तो इसकी टोटल कितनी होगी, तो 5000 को 6 से अगर आप जरब दे दे तो 30000 आएगा, फैमिली के 6 मेंबर की टोटल इनकम कितना है 30000 है औसत के लिहाज से, ठीक है, तो अभी आगे कहता है कि उनमें से 2 का जो तनख्वाह है 2 का इनकम 12000 है, तो बाकी 4 का कितना बचा, तो इसमें से 12000 माइनस करें, आसान हो गई बात, तो कितना बचेगा, अब 30 में से 12 माइनस करें तो 18000 आएगा, तो 4 की जो बाकी 4 हैं उनका टोटल इनकम 18000 है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 9 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 9 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एफ 3:b = x रेशो सी, तो इसको हम
इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/3 बी लिख सकते हैं और इज इक्वल टू एक्स बाय बी लिख सकते हैं, इसको एक्स ओवर सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3c विल बी इक्वल टू बी एक्स, 3c इज इक्वल टू बी एक्स। तो इसमें से x की वैल्यू हमने मालूम करना है, तो इनको b पर ये भी b डिवाइड कर लें तो क्रॉस हो जाएगा b और b, तो 3c, तो x की वैल्यू होगी 3c डिवाइडेड बाय b, ऑप्शन डी देखें, 3c डिवाइडेड बाय बी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और आज की वीडियो का आखिर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को जरा देखें। 10 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, हाउ मेनी माइल्स आर देयर बिटवीन टू सिटीज इफ द डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, डिस्टेंस जो है वो 2.4 इंच है, 2.4 इंच है लाइन के जरिए ऑन अ मैप Having scale up 1 inch, यहां पर पेपर में यहां गलती लग गई है, इस 1 inch की जगह 1 mile लिखा हुआ है जो कि गलत है, ये 1 inch है, ठीक है। 1 inch 8 के बराबर है, 1 inch 8 के बराबर, 8 mile के बराबर है, तो 2.4 कितना होगा, तो 2.4 तो आसान हो गया, 2.4 को आप 8 से जरब दे दें, 2.4 को 8 से अगर आप जरब दे दें तो ये आएगा 4×32 आएगा, तो आ जाएगा 32 में से 2.4 ले जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा और 8×2=16 और 3×19, तो 19.2 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है। तो आई थिंक दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, आज के लिए इतना काफी है, लाइक और शेयर लाजमी क्या करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।